खतरे में है भूजल स्तर, जरा संभल कर कहीं खत्म न हो जाए जल। मुश्किल में है कल, हालात निकले रेड मार्क से आगे, ग्रीन बेल्ट में खतरे की घंटी, हरियाणा का भूजल स्तर खतरे में। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है और पानी को बचाने की कसमें खाई जा रही हैं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारे देश में पानी के स्रोत लगातार खाली होते जा रहे हैं। हमारा देश पानी की कंगाली से ग्रस्त होता जा रहा है और आज जल दिवस पर हम आप सबका ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाटर क्राइसिस यानी कि पानी की कमी की, जिसमें बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के 36 ब्लॉक्स को डार्क जोन में शामिल किया जाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, यानी हालात रेड मार्क से आगे निकल चुके हैं। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? पानी जो कि पंच महाभूतों में से एक है, जिसे जीवन के लिए जरूरी माना गया है। आज हम वहां खड़े हैं जहां से अगर भविष्य में देखा जाए तो पानी की सख्त कमी दिखाई देती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जमीनी पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जो एक बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। इसी क्रम में बात अगर हरियाणा की जाए तो 15 जिलों को डार्क जोन में शामिल कर दिया गया है। देश की ग्रीन बेल्ट कहलाया जाने वाला हरियाणा, जिसे सबसे समृद्ध माना जाता है, उसी हरियाणा के 15 जिलों को डार्क जोन में शामिल किया जाना एक बड़ी मुसीबत है। ये बात सब जानते हैं कि समाधान होना चाहिए, ये सब चाहते भी हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इस मुश्किल को दूर करने की दिशा में प्रयास लगभग ना के बराबर है। जिस ओर जनता इस संकट को समझना नहीं चाहती, तो दूसरी ओर प्रशासन को कोई दिलचस्पी ही नहीं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फसलों के लिए तो दूर की बात है, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। हरियाणा के 15 जिलों को डार्क जोन में शामिल किया जाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, यानी हालात रेड मार्क से आगे निकल चुके हैं। जल संकट सिर्फ किसी एक क्षेत्र की दिक्कत नहीं, ये मुश्किल सबके लिए है, क्योंकि आज एक क्षेत्र जल की कमी से ग्रसित है और कल पूरे देश को इसका सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से जल संकट की रिपोर्ट हमने तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। जल संकट की पहली तस्वीर दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे नारनौल और उसके साथ लगते कुछ इलाकों की है, जहां जल संकट अभी से देखने को मिल रहा है। चाहे खेती हो या फिर पीने के पानी की समस्या, हर तरफ लोग पानी की कमी के चलते परेशान हैं। खेतों में किसानों की फसल पानी के कारण बर्बाद हो रही है, तो वहीं पीने का पानी नहीं मिलने के कारण महिलाएं पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जी हम तो पानी से बहुत समस्या सा है, बूढ़ा आदमी हो रहा था, बुढ़ी होगी पानी लेता लेता, पर पानी की मारी या ना मिटी सही भाई। हाँ, मार तो बालू दिखा टाइट का, और मारा गांव में पानी से की समस्या सा। नारनौल क्षेत्र में ये पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ पानी का संकट बना हुआ है। पिछले लंबे समय से पानी का संकट बढ़ता ही जा रहा है, चाहे खेती के लिए नहरी पानी हो या फिर पीने के लिए नलों में पानी। यहाँ का जमीनी जल स्तर 1500 फुट से भी नीचे जा चुका है, ऐसे में कुआं का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब तो यहाँ का किसान और गृहिणी नहरी जल पर आधारित पानी पर ही निर्भर है। अभी गर्मी ने पूरी तरह से दस्तक भी नहीं दी कि पीने के पानी की कमी खलने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पूरे दिन भर नलों पर निगाहें लगाए रहती हैं,
कि कब पानी आए और वो पीने का पानी भर पाए। महिलाओं का कहना है कि इस तरह की पानी की समस्या को देखते हुए उनका जीवन बीते जा रहा है। अनेक महिलाएं पानी के इस गंभीर समस्या के चलते घर के अनेक काम भी नहीं कर पाती हैं। सारी समस्या पानी बहुत दूर से है, कहीं टंकियां में कभी गल जाए कभी नहीं गले, ठीक है, और नलका में पानी आवे नहीं बिल्कुल भी। चौकर तो बोर 10 करवा रखी है लेकिन एक के भी मारो मतलब पानी ना पहुंचे। पानी की समस्या यहीं पर थमी नहीं है, इस क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। इस क्षेत्र में ना ही तो कोई उद्योग है और ना ही कृषि के अलावा कोई कमाई के अहम साधन। यहाँ खेती बाड़ी के लिए कुछ भी कोई गुजारा नहीं करते, कोई न तो फूस होता है, न पशु पालने के लिए जगह मिलती है, न चराने के लिए जगह मिलती है, क्यों होता ही नहीं है। बगैर पानी के अब यहाँ के खेत खलियान भी सूखे पड़े हैं। जहाँ थोड़ा बहुत पानी है वहाँ नाम चारे की फसल हो जाती है। किसानों की माने तो बरसात नहीं होने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। पिछले 15 वर्षों से बारिश नहीं होने से यहाँ का किसान बर्बादी की कगार पर जा पहुँचा है। भूजल की अगली तस्वीर है फरीदाबाद से, जहाँ 20 मीटर तक भूजल स्तर नीचे जाने से यहाँ आने वाले दिनों में पानी की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। वैसे तो घटता भूजल स्तर पूरे देश में एक विकराल समस्या का रूप धारण कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद में 20 मीटर तक भूजल स्तर नीचे जाने से यहां आने वाले दिनों में पानी की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। अवैध दोहन और पानी की बर्बादी के कारण भूजल स्तर इस कदर नीचे आ चुका है कि आज कई स्थानों पर 500 फुट पर भी पानी उपलब्ध नहीं है। तो ज्यादा लोग थे नहीं, कनेक्शन घरों में पानी था नहीं, लोग अपने घरों में बोर करके हैंडपंप लगाया करते थे तो थोड़े ही ऊपर पानी आ जाता था। आज की स्थिति इतनी नाजुक है, उस नाजुक स्थिति से गुजर रहा है फरीदाबाद। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने लोगों को चेताया कि पानी का उपयोग जरूरत के हिसाब से ही करें, अन्यथा आने वाले दिनों में पानी की बूंद बूंद को तरसना पड़ सकता है। जबकि निगम प्रशासन रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से भूजल स्तर ऊपर आने की बात करके अपनी पीठ थपथपा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो फरीदाबाद के बर्बाद होने में पानी की समस्या महत्वपूर्ण होगी। पानी की स्थिति बहुत ही, हमने जो आज के हालात है ना, हमने पहले कभी नहीं देखे। फरीदाबाद में बहुत जबरदस्त पानी था, पहले हैंडपंप जब लगाते थे तो 40-50 फुट पर पानी निकल आता था और बढ़िया पानी निकलता था, कोई दिक्कत पानी की आती नहीं थी। और आज 500 फीट पर भी पानी नहीं है। फरीदाबाद उजड़ेगा तो पानी की वजह से उजड़ेगा। घरों में पानी की सप्लाई करनी या फिर कारखानों में जगह जगह अवैध नलकूप लगाकर पानी का जमकर दोहन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मिनरल वाटर के नाम से शहर में जगह जगह लगे अवैध प्लांट भी भूजल दोहन का कारण है। सबमर्शिबल पंप लगाने पर हालांकि प्रतिबंध है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से सेक्टर हो या फिर कॉलोनी, ये काम धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके कारण लगातार भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पानी माफिया संगठित तरीके से पानी को दोहन करके पानी को दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए बेच रहा है, जिसके बारे में कई बार आवाज भी उठाई गई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। पिछले 10 साल में अराउंड 15 से 20 मीटर तक वाटर लेवल नीचे जा चुका है। जितना पानी हम निकाल रहे हैं जमीन के नीचे से जी, उसका प्रॉपर रेगुलेशन बहुत जरूरी है। वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जितना हमें जरूरत है उतना ही निकाल। जी हाँ, ये मौजूदा स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हमने जल्द इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बरसात कम होने और कृषि व दूसरे काम केवल भूजल पर ही निर्भर होने के कारण पिछले 10 साल में 15 से 20 मीटर भूजल स्तर फरीदाबाद में नीचे आया है। इस घटते जल स्तर को जल्द नहीं रोका गया और इसकी पूर्ति बरसाती पानी व कृत्रिम उपायों से नहीं की गई,
तो भविष्य में ये समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि हर साल भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इस पर केंद्रीय भूजल बोर्ड के अधिकारी एके सिंह की माने तो वो कहते हैं कि भूजल उस बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें से पैसा अगर निकाला ही जाएगा तो फिर अंत में कुछ नहीं बचेगा। तो ग्राउंड वाटर तो आप ऐसे समझ लो, ये बैंक का आपका एक अकाउंट है और उसमें से आप हमेशा निकालते ही रहोगे तो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए वो कैसे भी बढ़ाना भी है उसको, तो ये आर्टिफिशियल रिचार्ज की जो भी स्कीम्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ बनाते हैं, तो उन सब चीजों को अपनाना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। खतरे में है भूजल स्तर, जरा संभल कर कहीं खत्म न हो जाए जल। मुश्किल में है कल, हालात निकले रेड मार्क से आगे, ग्रीन बेल्ट में खतरे की घंटी, हरियाणा का भूजल स्तर खतरे में।